श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हक के अंग का नूर है ए जो अरस बखा खावंद, ए छबीन स्वरूप की क्यों कहसी मतमंद, क्यों कहसी मतमंद। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन चल रहा है तो उनके मुखारविंद की बात चल रही थी। ये परमधाम के स्वरूप की छवि है, उसको मंदमति से कैसे वर्णन हो सकता है। दंत लाल कर लिए मुख अधुरे, मुखमंडल में दंत हैं, दांत हैं, तो अधरोष्ठ की लालिमा और वो मुंह खुलता है तो उसके बाद में अंदर के दांत देखते हैं, दांत की सफेदी श्वेत रंग तो वो चमकते हैं। फिर दांत के मसूड़े हैं वो भी लाल लाल होते हैं, तो इस बीच में लाल और सफ़ेद तो इसमें ये चमक मिलती है। क्यों कहूँ रंग ए लाल है, तो उस प्रकार से ना मसूड़े का रंग लाल है और अधर का रंग भी लाल है, उसके बीच में दांत है। जो कछु हो बे पहचान तो क्यों दीजिए इन मिसाल, यदि थोड़ा भी उनको समझ लें कि ये तो इस प्रकार के होंगे तो भी इनका उदाहरण तो नहीं दे सकते। कई स्थानों पर ना तो दाड़िम की कली की तरह से इस तरह से उदाहरण दिया जाता है, तो वो मिले हुए हैं उसके अर्थ में। सुंदर स्वरूप श्यामा जी को अरस अखंड सिनगार, श्यामा जी का स्वरूप बड़ा सुंदर है, दिव्य परम धाम का अखंड रहने वाला ये श्रृंगार है। रुअ मुख न रखियो चाहत उर पर लटकत हाल हार, रुअ मुख न रखियो चाहत। तो आत्मा श्री श्यामा जी के मुखारविंद को दर्शन करने के लिए चाहना रखती। फिर अब राज्य क्या कर रहे हैं, तो सारे अंगों के दर्शन करवा रहे हैं, तो अब उनके वक्षस्थल पर हार हैं उनका अब वर्णन करने जा रहे हैं। उर पर लटकत हार, एक हार मोती निर्मल, एक हार है तो निर्मल मोती का है, और मानिक ज्योत धरत तो दूसरा हार है मानिक का है, तो वो भी बड़ा चमकता है क्योंकि लाल लाल है तो वो उसकी चमक अलग प्रकार की रहेगी ही। तीसरा हार लसनिया, तीसरा हार है वैदूर्य मणि का है, जो शोभा लेता अत्यंत वो भी बहुत सुंदर लगता है। चौथा हार हिरन का, चौथा हार है हीरे का है। पांचवा सुंदर नीलमी, पांचवा हार है नीलमणि का है। इन हारों बीच दुगदुगी, इन हारों के बीच में दुगदुगी है। दुगदुगी का अर्थ क्या होता है, जैसे एक मन के से दूसरे मन के को ऐसे बाहर से ना वो उसको क्या बोलेंगे, साकल की तरह से वो जुड़ता है, तो उस तरह से वो हारों के बीच में दुगदुगी है, हर हार में दुगदुगी होता है। तो किसी में नहीं भी हो किंतु ये पांचों में दुगदुगी है ऐसा वो समझाते हैं। देखा तो शोभा अति भली, इसकी शोभा बड़ी सुंदर लगती है। क्यों कहो नंग दुगदुगी, दुगदुगी में भी अलग अलग प्रकार के रत्न हैं, उसमें छोटे छोटे हैं। ये पांचों सैनिया चढ़ाए, ये पांचों ना तो ये पांचों के बीच में तो सैनिया चढ़ाए कि जैसे सेना सुसज्जित होती है तो इनको कहीं भी किसी के भी संरक्षण के लिए, तो ये है तो उनको ये हारों के बीच में तो ये सेना की तरह से है तो उनको उनकी शोभा बढ़ाने के लिए है। जंग करे माहे जुदे जुदे पांचों अंबर में न समाए, तो उनका प्रकाश है
तो पूरा वो आकाश में समाता नहीं है, और वो आकाश में वो प्रकाश अब कौन विशेष है, किसको कहें, तो एक दूसरे से द्वंद्व करते हों ऐसा लगता है। पांचों ऊपर हार हेम का, पांचों के ऊपर में हेम का हार है। मुख मोती सिरे नीलवी, तो उसमें मुख्य रूप से उसमें हेम का है, सोने का है, तो उसमें मुख्य रूप से मोती के दाने हैं। और सिरे नीलवी, तो उसके बाद में मोती के दाने के बाद में नीलमणि है, इस तरह से वो सोने का हार है। ए हार अति विराजत जड़ तर चंपकली, तो ये हार भी, ये मोती और नीलमणि दोनों जड़े हुए हैं, तो ये बड़ा सुंदर है, ये चंपकली का हार है। पांच पाने पुखराज जरी माहे जड़ित, अब ये चंपकली के हार का ही वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें दूसरे रत्न भी हैं, पाच है हरितमणि, पन्ना है वो भी हरितमणि है, पुखराज है, जरी माहे जड़ित है, तो मानो जरी से जड़ा हुआ हो इस तरह से, तो इस तरह से जड़े हुए हैं। चंपकली का हार जो उर पर लटकता, चंपकली का हार भी तो उनके वक्ष स्थल पर लटकता है। ऊपर चोली के कांठले, अब ये ना, तो ये पांच हार बताए, पांच हार के ऊपर का हार है चंपकली, तो सोने का, और सोने में अलग अलग ये रत्न जड़े हुए, और उसके ऊपर तो वो कंठसरी है, तो उसको कांठले, कांठला भी बोल देते हैं गुजराती में, तो वो कंठसरी है, इस प्रकार सात हार है। तो वो ऊपर चोली के कंठसरी, चोली के ऊपर, चोली के ऊपर कंठसरी है, वो कंठ में होता है, तो वो कपड़े से ऊपर के भाग में है। बेल लगता कांगरी, उसमें विभिन्न प्रकार के, वो जैसे चोली की डिजाइन है, उसमें विभिन्न प्रकार की लताएं हैं, वो भी हार की तरह से होती है उसके चोली के किनार में भी, किंतु उनके ऊपर ये कंठसरी है। ऊपर चंपकली की मोती मानी के पाने जरी, तो कंठसरी के ऊपर ये चंपकली के ऊपर ये मोती का हार है, तो उसमें भी माणिक्य और पन्ना, तो वो भी इसमें जड़े हुए हैं। पांच लड़ी चीड़ चीड़ तीन पर, पांच लड़ी उसमें चीड़ की है, तो चीड़ क्या है कि यहाँ दुनिया में तो जो कांच के छोटे छोटे दाने वगैरह बनते हैं, वो नेपाली में पोते बोलते हैं ना, तो उस टाइप का वो चीड़ उसको बोलते हैं। तो ये सब क्या है कि परम धाम के तो वो रत्न ही हैं, वो छोटे छोटे हैं, एक सर के एक जैसे दाने, तो उसकी पांच लड़ी है। तेन पर कंठ लगा आई सोए, तो वो कंठ तक ये सब आई है, तो ये कंठसरी इस प्रकार से है। रंग नंग धात अर सके इन जुआ सिफत क्यों होए, तो ये रंग भी विभिन्न रंग के धातु नंग है, और उसके साथ में धातु भी है, ये सब परम धाम के हैं, इसलिए इनको नश्वर जिह्वा के द्वारा पूर्ण रूप से बताया नहीं जा सकता। सातों हारों के फूमक, सातों हारों को ऐसे पीछे बांधते हैं ना, तो वो बंधन उसमें फिर वो लटकने होती है, तो पीछे की ओर के उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके फूमक जगमगे सातों रंग, उनके सात सातों रंग में वो जगमगाते हैं। मूल बंद बेनी तले, मूल रूप से बेनी बेनी बंद है, तो केस की चोटी बनी हुई है, तो उसके नीचे ये सब सात बंधन वो फुम्बक उसके दिखाई देते हैं, सात हार के। मूल बंद बेनी तले बन रहे ऊपर अंग, तो वो गले में, तो ये बेनी के नीचे ये सातों रंग के फुम्बक वगैरह दिखाई देते हैं। अब बाजू बंद दो बने, दोनों बाजू में बाजू बंद है, जरी फूमक लटकता उनमें भी, तो बाजू बंद है तो उसको बांधते हैं, तो बांधने के बाद में फिर वो लटकने निकलने लटकेगी ना, वो जरी की तरह से वो लटकती है, तो जरी जैसी लगती है। हीरे लसन ये नील भी देख देख रो अटकता, उसमें भी हीरा भी है, लसनिया बैदुर्य मणि है, नील भी नीलमणि है, तो इस प्रकार का वो बाजू बंधा है, तो देखता रूह अटकता, देखने पर आत्मा वहीं पर टिकी रहती है, आत्मा की दृष्टि।
नवरंग रत्न चूड़ के नवरंग के रत्न उसमें चूड़ में धरे हुए हैं। अरस धातन शोभा सुमारा, अर्श के धातु परमधाम के धातु है, उनकी शोभा का कोई पारावार ही नहीं। चूड़ी सामान्य रूप से सोने की होती है ना, तो उसमें अलग अलग प्रकार के रत्न, नव रंग के रत्न जड़े हुए हैं, इसलिए वो परमधाम की धातु है, इसकी शोभा का पारावार नहीं है। चूड़ ज्योत जो करता है आकाश न माए झलकार, तो चूड़ से जो ज्योति निकलती है वो पूरे आकाश में समाती नहीं है। नव रंग रतन चूड़ के जुदी जुदी चूड़ी झलकत, नौ प्रकार के रंग के रत्न हैं, तो वो ऐसे मिला करके उसमें जड़े हैं, तो वो नौ अलग अलग रंग की चूड़ी हो ना, ऐसा लगता है। जुदी जुदी चूड़ी झलकत, वो अलग अलग रंग के रत्न हैं, वो अलग अलग रंग में दिखाई देते हैं, तो वो उनकी पंक्तिबद्ध होंगे। जैसे सिंहासन में, सिंहासन के स्तंभ पर तो दस रंग उसमें दस रंग दिखाई देते हैं ना अलग अलग, इस प्रकार से ये चूड़ी में भी नौ रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। ज्योत ज्योत लरता है, उनसे निकली हुई किरण है, एक दूसरे से टकराती है। शोभा अर्श क्यों क्यों इत, तो परमधाम की ये शोभा है, दुनिया में क्या बताएं। अतंत ज्योत इन धात में, इन नंग में ज्योत अतंत, तो परमधाम की धातु हो, रत्न हो, उन सब में ज्योति तो बहुत ही ज़्यादा है। अतंत ज्योत रंग रेशम, परमधाम के वस्त्र है उनमें भी, उनके रंग भी, उनमें भी ज्योति बहुत ज़्यादा है। तीनों नरमाई एक सिफत, किंतु तीनों में एक विशेषता ये है कि उन तीनों में कोमलता है, वस्त्र भी कोमल है, धातु भी और रत्न भी कोमल है। कंचन जड़ित जो कंकनी माए बाजत झनकार, कंकणी कंकण बोलते हैं, वो कंगनी भी बोल देते हैं ना, तो ये क्या है, तो यहाँ पर बड़ा होता है तो चूड़ कड़ा, और छोटी होती है तो चूड़ी, तो उसको कंकणी, तो उसके लिए कह रहे हैं। माए बाजत झनकार, तो वो भी औरों के साथ में बज, चूड़ी बजती है तो झनकार, झन 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 आवाज आती, उसको हाथ हिलाते करते हैं तो बजते रहते हैं ना। बेल फूल नकस जड़े झलकत चूड़ किनार, तो चूड़ के किनार में भी बेल फूल वगैरह विभिन्न प्रकार के नकाशी हैं, तो वो सब चमकते हैं। निर्मल पहुँची नव घरी, पाँच पाँच दो के नंग, तो निर्मल पहुँची नव घरी। अब नवघरी इसमें क्या है कि यहाँ पर अब चूड़ी के बाद में तो कलाई में नवघरी है, तो ये अलग प्रकार की, और उसके साथ में फिर पहुँची है, तो पांच पांच दो के नंगा, दोनों में पांच पांच रत्न है, तो उसमें पहुँची है, पहुँचा में, तो यहाँ पर यहाँ रिंग होता है और उसके बाद में, और यहाँ से ये ऐसी वो साकलें आई हुई होती हैं, तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं, तो पांच पांच प्रकार के रत्न हैं। अरस रसायन में जड़े, ये परमधाम के रसायन में जड़े हैं। कर्त मीनो मीने जंग, तो पांचों हैं परस्पर अपने अपने हिसाब से, तो पांचों से निकलने वाला प्रकाश है वो परस्पर ऐसे द्वंद्व करता हो ऐसा लगता है। हथेली ली के क्यों कहूँ नरम हाथ उज्ज्वल, हाथ में देखें तो हथेली बड़ी बड़ी ही नरम है, उज्ज्वल है, और उसमें हस्त रेखाएं वगैरह बड़ी सुंदर है। रंग पहुँचे का क्यों कहूँ, और ये करतल का भाग ये होता है, ये करपृष्ठ होता है, करपृष्ठ में पहुँचा होता है, तो इधर तो हस्त रेखाएं, तो दोनों की बात कर रहे हैं। रंग पहुँचे का क्यों कहूँ इत जुवा न सके चल, तो जुवा इसमें तो कुछ हिल ही नहीं सकते, ये बताने के लिए तो पांच अंगुरियां पतली, तो पांचों अंगुलियां हैं पतली हैं, जुदी जुदी पांचों जिनस, तो पांचों दोनों अलग अलग उसमें हाथों में अलग अलग प्रकार से वो शोभा देती है। अरस अंग के क्यों कहूँ उज्जवल लाल रंग रस, तो अब परमधाम के अंग है तो उनके क्या बात करें, तो अंगुलियां भी लाल लाल दिखाई देती है, गुलाबी गुलाबी
ऐसी बड़ी उज्जवल लगेगी। आठ रंग के नंग की पहरी जो मुदरी, तो अब इसमें भी ना पांच अंगुली बताई ना, तो छोटी छोटी है इसलिए बताइए श्यामा जी की, तो फिर भी अंगूठा बड़ा होता है और दूसरी अंगुलियां तो छोटी होती है, तो इस हिसाब से उनकी साइज वगैरह लंबाई अलग अलग, जैसे उसमें मनुष्य में है उसी हिसाब से है, वो बड़े सुंदर हैं, तो वो बात बता रहे हैं। तो उसमें ये आठ अंगुलियां हैं, उसमें आठ रंग के रत्न जड़ी हुई है, ऐसे मुंदरी मुद्रिका पहनी हुई है। एक कंचन है, एक आरशी, और उसमें अब अंगूठे में तो एक में कंचन में हीरा जड़ा हुआ है, और दूसरे एक एक आरशी, एक में तो वो सोने का ही है, और उसमें आरशी तो वो अरीसा, उस वो क्या बोलेंगे उसको, दर्पण, तो उसमें जड़ा हुआ है, तो ऐसा देखने से तो पूरा वो सब दिखता है। तो जैसे मोटरसाइकिल वगैरह में वो छोटा सा वो मिरर होता है तो पीछे का सारा दिखता है ना, तो उस प्रकार से तो उसकी बनावट ऐसी है। मानिक मोती लसनीय, पाँच पाने पुखराज, गोमादि का और नील भी, आठों अंगुरी रही विराज। तो आठों अंगुरी में मानिक मोती लसनिया वैदुर्य मणि, पाँच हरित मणि पन्ना, वो भी हरित मणि है, पुखराज वो पीत मणि है, गोमादिक है नीलवी नीलमणि है, आठों अंगुरी रही विराज, आठों अंगुली में ये रत्न है, ये बता दिया। अंगूठे हीरे की आरसी, अंगूठे में तो दो अंगूठी है ना, तो उसमें अंगूठे में एक में हीरा है, तो सोने में वो हीरा जड़ा है, दूसरे में आरसी दर्पण है, आरसी दर्पण जड़ा हुआ है, उसको आरसी कहते हैं उस ऐसे अंगूठी को। तो ऐसे यहाँ भी पुराने लोग ऐसे बनाते थे, तो उनकी अंगूठी में तो कांच लगा हुआ होता था, मिरर लगा हुआ होता था। दस में जड़ित अति सार, इस प्रकार ये दस उसमें आठ मुद्रिकाएं और दो अंगूठी, इस प्रकार से दस हैं, ये बड़े सुंदर तरीके से बने। ये जो दर्पण माए देखता अमर न माए झलकार, तो श्यामा जी दर्पण में अपना श्रृंगार देखती है और उसका प्रकाश है वो पूरे आकाश में छा जाता है, आकाश में भी न माए झलकार, उसका प्रकाश समाता नहीं है। नख निमुना देवों हीरों का, सो में दिया न जाए, अब हीरों के यदि नख, अब नखों की बात कर रहे हैं कि नख के लिए हीरों की उपमा दें तो वो भी दिया जा नहीं सकता है। एक नख जरे की ज्योत तले, कई कोट सूरज कोट ढपाए, तो एक नख से निकलने वाला प्रकाश हो ना, तो उसके नीचे भी उस वो भी करोड़ों सूर्यों को निस्तेज कर दे, ऐसा होता है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कई सूरज कोट ढपाए, कई सूरज कोट ढपाए, देवों हीरों का, सो मैं दिया न जाए, एक नख जर की ज्योत तले, कई सूरज कोट ढंपाए, कई सूरज कोट ढंपाए। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।